मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर स्थित सिम्बोसिस स्कूल में रोबोटिक लैब का आज उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर मौजूद थे। इस सिम्बोसिस स्कूल में नीति आयोग द्वारा इस रोबोटिक लैब की शुरुआत की गई है। शायद मुमरा शहर में ये पहला स्कूल है जहाँ इस रोबोटिक लैब में बच्चे कुछ साइंस के बारे में जान सकेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम भी किया गया जिसमें बच्चों ने नृत्य किया और सबका मन मोह लिया। इस रोबोटिक लैब का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने रिबन काटकर किया। इस रोबोटिक लैब की शुरुआत करने का मकसद है कि बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। खुद बच्चों से लैब में जाकर पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर मिले और बच्चों ने जिस तरह से ऑटोमेटिक रोबोटिक कार, स्ट्रीट लाइट और शहर से जुड़े हुए कई चीज़ें तैयार किए थे, वहीं इस मौके पर ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर और सिम्बोसिस स्कूल के डायरेक्टर पप्पू सर और बच्चों से हमने बातचीत की है जो आपको सुनाते हैं। सिम्बोसिस स्कूल में जो नीति आयोग की लैब सैंक्शन हुई है उस लैब का, रोबोटिक लैब का इनॉग्रेशन था और ये बहुत ही शान की बात है स्कूल के लिए, मुमरा के लिए, कि ये पहली और एकमेव स्कूल है जिसको ये लैब सैंक्शन हुई है। मेरे ख्याल से इस लैब की वजह से इन स्कूल के बच्चों में जो साइंटिफिक टेंपर है वो बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। इट विल क्रिएट अ साइंटिफिक टेंपर एंड अ गुड टेंपरमेंट इन आर स्टूडेंट्स एंड आई एम श्योर इट विल गो अ लॉन्ग वे टू मेक देम वर्दी सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। सर, आप मुमरा शहर के जो और स्कूल हैं, क्या इस तरह के उनको जो है जो खुलना चाहिए और भी बच्चों को? देखिए, ऐसा है कि हर स्कूल ने जो सबसे अच्छा है और बेहतर है वो करते रहना चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपने ये क्या बनाया है इसके बारे में जानकारी। मेरा नाम अजरा है। ये एक ऑटोमेटिकल स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है। जब भी इसकी ज़रूरत होती है ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है। ये सेंसर है, आसपास जब भी अंधेरा होता है ये सेंस करता है। अभी मैं इस पर हाथ रख रही हूँ, ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है। तो जब भी जैसे उसके आसपास में अंधेरा होगा वैसे वो लाइट को चालू कर देगा। जब वो लाइट लेगा तब उसकी लाइट चालू नहीं होगी अगर हम इसके आसपास अंधेरा करते हैं। अच्छा, यानी कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, अगर अंधेरा होता है तो ये स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाए। जैसे कि बारिश के दिनों में जब वो अपने आप टाइमर सर्किट हम यूज़ करते हैं तो जब वो अंधेरा हो जाता है जल्दी तभी उजाला वहाँ पर नहीं आता है, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी ज़रूरत होगी अपने आप ऑन होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जब नीति आयोग ने एक चीज़ देखा कि बच्चों के अंदर, मैंने कहा ना शुरू में कि सभी बच्चे एक जैसे हैं, आप उनके सामने खिलौना दे दीजिए तो वो जब खिलौना देंगे तो वो बच्चा खेलने की जगह बजाय उसको कोशिश करेगा कि अंदर क्या है, अंदर के बाद देखने, फिर उसे जोड़ने की कोशिश करेगा, जोड़ दे उसमें, इस बच्चे में एक तकनीक, एक इनोवेशन आ जाती है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है। और आज देखोगे कि चौथी और पाँचवीं के बच्चे बहुत खूबसूरत तरीके से एंड्रॉयड फ़ोन ऑपरेट करते हैं, उन्हें ऐप्स डाउनलोड करने आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं रुक गए हैं, ये बच्चों के लिए एक सेकेंडरी नॉलेज है। प्राइमरी नॉलेज तो ये है कि उनको पढ़ाई करनी है। सर, आपका स्कूल अच्छा काम कर रहा है और बच्चों के साथ भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आपके स्कूल को लेकर एक अलग तरह की चर्चाएं हो रही है, जो है RSS का नाम दिया जा रहा है, तो उस पर आप, मैंने जो काम किया मेरे से काम करके बताओ ना। मारने वाले का तो हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले का कहाँ का पकड़ोगे आप? और जो भी ये ब्लेम करता है मुझे से कुछ उसकी परवाह नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स का विश्वास जीता है, वो जानते हैं कि मेरा बच्चा सेफ है। मैं क्यों इनको इम्पोर्टेंस दूँ? मेरे लिए, मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मेरे सामने दो पेरेंट्स, दोनों डॉक्टर कपल है। जाहिर बात है मैडम, जब आप नमाज पढ़ती हैं तो मेरा याद तो कहीं तो आई होगी ना, क्यों सर, डॉक्टर साहब? और आई एम सो लकी के, और ये सब दुआओं का सर है। कई स्कूलें इसमें थी, मैं बच्चों में एक पैनापन देखना चाहता हूँ, क्या मेरा स्कूल का स्टूडेंट कहीं भी खड़ा रहे उसे इंग्लिश, मराठी, हिंदी फ्लुएंटली आनी चाहिए।
ताकि उसको उसके स्किल के ऊपर उसको उसको बढ़ावा मिले। रिलीजियसली अगर कुछ करता है तो उसकी अपनी मर्जी है, मगर वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। बदलते वक्त के साथ मैंने बच्चों के अंदर नई नई एजुकेशन डाली हैं और जिनमें एक नई टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ है, तो मैं क्यों पीछे हूँ। ये जो आप लोगों ने कार बनाई है, ये कार जो है किस तरह की है और क्या चीज़ की ये कार आपने बनाई? घर में गंदगी हो जाती है, उसको साफ़ करने के लिए ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन है। अगर घर में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, रुकावट आती है, तो उसको अवॉइड करते हुए ये घर को साफ करेगा। हम लोग ने इसका नाम रोबोमेट रखे है क्योंकि ये एक रोबोट है और ये मेट के तरह काम करता है। आप लोग जो ये बना रहे हैं तो इसमें बनाने में जो खर्च आता है, क्या वो आपको स्कूल के तरफ से दिया जाता है या आप लोग स्कूल के तरफ से? जी, तो आपने बनाया है ये ऑटोमेटिक जो है, ये ऑटोमेटिक काम बैटरी पे चलता है, बैटरी पे चलेगा ये और अपने आप ही अगर कोई भी रुकावट बीच में आएगी तो वो टर्न हो जाएगा। और वो इसको बनाने में क्या क्या चीज का आपने इस्तेमाल किया है इसमें? रोबोट चेसिस और ये मोटर ड्राइवर है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है और ये कुछ जंपर वायर्स है और ये व्हील्स है और अंदर 2 मोटर्स है और ये एक स्पॉन्ज है, ये पूरा ये क्लीन करते हुए आगे जाए, ये रास्ता क्लीन कर, जो भी ऑब्स्टेकल और गंदगी बीच में आएगी उसको क्लीन करते हुए ये आगे जाए। खत्म हो जाती है तो आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। सर, ये जो स्कूल में लैब बनाई गई है प्रोजेक्ट का, इसमें बच्चों को किस तरह की जानकारियाँ दी जाएगी और क्या क्या यहाँ पर मतलब टेक्निकल और रोबोटिंग जो सिस्टम है यहाँ पर क्या क्या तरीके के लोग सिखाएंगे? सर, एक्चुअली ये जो लैब है ये नीति आयोग के थ्रू यहाँ पे ये स्कूल को मिली है और ये लैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 4 अलग अलग पैकेजेस में कंपोनेंट का डिवीजन किया गया है। जैसे इसके अंदर पैकेज वन में अगर आप देखोगे तो आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, IoT, ये सारी इक्विपमेंट्स इसके अंदर आते हैं। स्टेम की किट्स आते हैं, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन किट आते हैं, एरोस्पेस किट है, ड्रोन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देन 3D प्रिंटर, अगर आप ये जो देख रहे हो आपके सामने ये 3D प्रिंटर है, तो बेसिकली 3D प्रिंटर में क्या होता है कि सर, आप कुछ अलग तरीके के ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी का मूर्ति है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स को आपको प्रिंट करवाना है वो ऑब्जेक्ट को आपको सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन करना होता है और सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन करने के बाद आप उसको ये 3D प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करवा सकते हो। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग ने एक जो रोबोट है वो प्रिंट के लिए दिया है, वो हाफ ऑफ द रोबोट जो है वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है और प्रिंट उसका चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल टूल्स है, जैसे हथौड़ी होते हैं, पाना है, ड्रिलिंग मशीन है या फिर सोल्डरिंग किट्स है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है। तो ये जो पूरा लैब है ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेम एजुकेशन है, हर चीज़ का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों के पास नॉलेज है पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या फिर उनको फाइनेंशियली कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने के वजह से क्या हो रहा है कि हर बच्चे के अंदर जो इनोवेशन है या क्रिएटिविटी है वो दिखाने का उनको चांस कहीं पर नहीं मिल रहा है। ये लैब के थ्रू हर एक बच्चा उसके अंदर होने वाली जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर होने वाला जो इनोवेशन है, वो ये अलग अलग कंपोनेंट को, सेंसर को यूज करके वो बना सकता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।